सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधानाः हस्तपद्माभ्यां कुसुमांडाशुभदस्तु मे। आप सभी भक्त प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज इस वीडियो में नवरात्रि के चौथे नवरात्रि की चर्चा करेंगे और किस नाम से देवी का पूजन इस नवरात्रि में होता है, और विशेष बात हम इस में बताएंगे जिनके घरों में रोगों की समस्याएं बनी रहती हैं, आदि आदि व्यवस्थाएं रहती हैं, और वो चौथे नवरात्रि में किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं, आदि आदि। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कुष्मांडा माँ की, जो कि शक्ति के विषय में अपरंपार हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं। अपनी मंद मुस्कान के कारण, हंसी के कारण अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली हैं। आपको कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई गई हैं, अष्टभुजा वाली कहलाई गई हैं। इनके सात हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों को, निधियों को, रिद्धि सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इसका मतलब एक और समझ लीजिए, जिसके हाथ में माला है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्य यह है कि हम साधनों के पीछे, व्यवस्थाओं के पीछे भागते हैं, माला का त्याग करते हैं। देवी के हाथ में भी माला है, तो आपके हाथ में माला होगी तो क्या नहीं हो सकता। पर क्या कहें, फिर भी आप माला का थोड़ा सा जाप कीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए यह देवी को कुष्मांडा भी कहते हैं। इनका नाम ही है कुष्मांडा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसकी सृष्टि आदि स्वरूपा, ये जो है आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति कही गई है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति भी बहुत सुंदर है, प्रभा युक्त है, दैदीप्यमान है। इनकी तेज से दसों दिशाएं आलोकित, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं तेज से, इन्हीं के तेज से सब व्याप्त है ऐसा माना गया है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की जो व्यक्ति पूजा करता है, आराधना करता है, इससे सभी भक्तों के, मैंने शुरू में आपको कहा था रोगों के विषय में, जो मनुष्य कुष्मांडा देवी की पूजा करता है, मन क्रम वचन से आराधना करता है, और जो मनुष्य काशी फल की बलि कोई भी आकार देकर, कुछ भी आकृति बनाकर, अपने रोगों की स्मृति करके, अपने परिवारी जनों के रोगों के विषय में जानकर, उन्हें माँ के आगे प्रस्तुत वंदना करके, निवेदन करके, जो कुष्मांडा मतलब काशी फल की बलि देनी चाहिए माँ के आगे, और अपने समस्त रोगों का वर्णन करना चाहिए, तो माँ प्रसन्न होकर श्रद्धापूर्वक, जो लोग बलि माने पशु जीव बलि नहीं, ये काशी फल को ही बलि देनी चाहिए उसमें, तो आपके जितने भी रोग इत्यादि हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए, व्याधियां मुक्त हो जाएंगी। इससे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है माँ। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो और वो कुष्मांडा माँ की पूजा करे, तो उसके उस ग्रह का असर कम होगा और प्रभाव जो है, जो दुष्प्रभाव है, वो दूर हो जाएगा। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से उनके भक्तों के दुख दूर होते हैं, उनके रोग नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मुक्ति भी मिलती है। अगर आप कुष्मांडा माँ की ढंग से, मन से, श्रद्धा से पूजा करें तो इसमें कोई द्वारा नहीं है। सृष्टि का सृजन करने वाली माँ को हम बार बार नमन करते हैं। एक और बात बताएं, कुष्मांडा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा काशी फल में बीज बहुत होते हैं। कुष्मांडा होता है जिसमें काफ़ी संख्या में बीज होते हैं, जिसके
जिससे नव जीवन की चेतना उत्पन्न होती है। मतलब अगर वो बीज अलग अलग बो दिए जाएं तो कितने काशीफल हो जाते हैं उसी में से, एक में से वो अनेक हो जाते हैं। वैसे ही मानव माने सृष्टि की सृजन किया है, उन्हीं से उत्पन्न ये सृष्टि है और उन्हीं से तमाम जीव आत्मा चेतनाएं इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही हैं। इसलिए कुष्मांडमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, हृदय से करनी चाहिए। कुष्मांडमा के मंत्र को अगर कोई जाप करना चाहे, वहां बैठकर कोई साधना करना चाहे तो वो मंत्र सुन ले, एम ह्रीम दिव्यै नमः, एम ह्रीम दिव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से जितनी भी देर जाप करेंगी मां प्रसन्न होंगी। माँ कुष्मांडा को प्रिय भोग क्या है, ये सब चीजें सुन लेनी चाहिए। जो जिस रूप में जिस देवी को जो वस्तु पसंद है वही उनको चढ़ाना चाहिए, अलग अलग नहीं कि कुछ भी लिया ध्यान सब चढ़ा दिया, ऐसा नहीं। माँ कुष्मांडा को प्रिय भोग है हलवा और दही, तो हलवा भी ढंग से बनाइए और दही में कुछ मीठा वाकर डाल के बढ़िया माँ को भोग लगाइए, जिससे माँ आपके यहाँ प्रसन्न हो जाएंगी। माँ हलवा का भोग तो मोस्टली सभी माओं को पसंद है, जागरणों में सब लोग लगाते हैं ना, वो चना और हलवा का भोग लगाते हैं, पूड़ी हलवा का है। और माता जी को जो प्रिय फूल पसंद है और जो रंग पसंद है वो है लाल रंग पसंद है माता राम को, तो माँ लाल रंग अवश्य धारण कीजिए उस दिन पूजा करते समय। और जो पुष्पों में जो माँ को पुष्प पसंद है, लाल रंग का ही पुष्प माँ को पसंद है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से जीव की आयु बढ़ती है। कुंडली में अगर बुध ग्रह सही नहीं है तो माता की पूजा करने से यह जो बुध ग्रह है यह इस पर भी थोड़ा शांति मिलती है और वो बुध ग्रह जो नेगेटिव असर देने वाला होता है वो नहीं देता है। इसलिए कुष्मांडा माँ आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करे, आपके बाल गोपालों को निरोगी काया दे, आपको भी निरोगी काया दे। जिन जिन लोगों को आप ये उपाय से जिनके घरों में से रोग निकालना चाहते हैं उन सबको ये वीडियो अवश्य दिखाइए सुनाइए। और एक बात, 9 के 9 नवरात्रों की कथा उपाय हम आपको बता रहे हैं, तो हर दिन पहले सुन लीजिए वीडियो, उसके बाद उसी रूप से आप पूजा कीजिए। क्योंकि जब पहले ही एक दिन पहले आपको वो वीडियो मिल जाता है तो आप ये व्यवस्था कर सकते हैं कि हम वो सब सामान एकत्रित कर लें और फिर सब में बांट दें और फिर उसी रंग रूप से उसी विधान से उसी नियम से हम माँ भगवती की पूजा करें। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को, राधे राधे।